दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिस तरह की नोटबुक है, जिस तरह का रजिस्टर है, आप उसको किस तरह से बना सकते हो और उसकी जो मशीनरी है वो किस तरह से होती है, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो क्या क्या यूज होगा, मैं सारा कुछ आपको वीडियो में बताने वाला भी हूँ और मशीन की वर्किंग को भी दिखाने वाला हूँ। और आप इसको कहाँ सेल कर सकते हो मैं आपको ये भी बताऊंगा, और ये जो इसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा और इसमें सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, और आपको ये भी बता दूंगा कि आपको मशीनरी कहाँ से मिलेगी और इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी आपको कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और बात करते हैं कि जिसमें रॉ मटेरियल यूज होता है एक्चुअल में वो होता क्या क्या चीज़ है और वो आपको मिलता कहाँ से। तो फ्रेंड्स जो इसका रॉ मटेरियल होता है, सबसे पहले जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं जो इस तरह का ये कवर पेपर होता है, इसे आप मार्केट से ले सकते हो। कवर पेपर कुछ इस तरह से होता है, इसे आप किसी प्रिंटिंग प्रेस पे छपवा भी सकते हो, आप अपने ब्रांड के हिसाब से या किसी स्कूल कॉलेज जिससे आपने कॉन्टैक्ट किया है आप उसके ब्रांडिंग उसके नेम से इसको छपवा सकते हो। और जो दूसरी चीज़ होती है वो उस तरह का जो अंदर का जो रॉ मटेरियल है, जो पेपर है, पेपर में भी फ्रेंड्स बहुत क्वालिटी आती है। आपने देखा होगा एक तो ये आपका जो वाइट पेपर है वो है, एक जो रफ रजिस्टर है वो भी आता है। तो फ्रेंड्स आपको फटाफट मशीन की वर्किंग दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं कि जो कॉपी है, जो रजिस्टर है वो किस तरह से बनेगा और किस तरह से उसकी आप मार्केटिंग करके मुनाफे को क्रिएट कर सकते हो और कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट आपका सेल होगा। जैसे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, और अगर आप इस मशीन को परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कंपनी के डिटेल और उनके नंबर दे दूंगा, आप उन नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट कंपनी से और भी अधिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसकी अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर डिमांड की बात करें तो फ्रेंड्स हर सेक्टर में इसका डिमांड है। अगर गांव क्षेत्र है या शहर में है या कोई भी कस्बा टाइप का आपका एरिया है तो आप इस बिजनेस को लगा करके मुनाफे को क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो आप मशीन देख रहे हैं इस मशीन से स्टेपल किया जाता है, इस मशीन को बोलते हैं स्टिचिंग मशीन। ये आपका पिन लगाने का कार्य करती है, कॉपी पर बहुत आसान तरीके से और सिंपल तरीके से ये पिन को लगा देती है। और फ्रेंड्स आपको देखो इसमें किस तरह से स्टेपलर कर दिया है और कॉपी में पिन लग चुकी है। तो फ्रेंड्स जब कॉपी में हमारी पिन लग जाती है तो पिन लगा देने के बाद इसमें स्क्वायरिंग किया जाता है, इसमें फिनिशिंग किया जाता है, तो वो भी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो किया कैसे जाता है और किस मशीन से किया जाता है और किस तरह से आप इसमें स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पिन लगाने के बाद अब ये जस्ट स्क्वायरिंग मशीन पे आ गए हैं, स्क्वायरिंग मशीन पे स्क्वायरिंग कैसे होगी और कॉपी को किस तरह से फिनिशिंग दी जाएगी। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है, बस आपको ऑन कर देना है मशीनरी को। ये ऑटोमेटिक आगे और पीछे के लिए मूवमेंट करेगी मशीन, और आपको बस इसमें जो आप ये जगह देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, इसमें आपको बस कॉपियों के बंडल को रख देना है। अगर आप इसमें चार कॉपी, छह कॉपी, जितना भी साइज की आप कॉपी बनाते हैं, अगर आप इसमें छोटी कॉपी बनाते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें काउंट करके रख सकते हैं। अगर आप इसमें बड़ी कॉपी या बड़े रजिस्टर बनाते हैं तो आप इसमें उनको सेट कर सकते हैं। और देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें इस तरह से बस कॉपी को रख देना है और हाथों से पकड़ लेना है और जो स्क्वायर हो जाएगा, जो फिनिशिंग हो जाएगी वो देखो कितना बढ़िया करके आपका फिनिशिंग हो जाती है। तो जो फिनिशिंग आपकी हो जाएगी, फिनिशिंग के बाद अब लास्ट स्टेप रह जाता है, जो लास्ट स्टेप है वो होती है कटिंग। और कटिंग आप अपने साइज के हिसाब से इसको कटर में सेट कर सकते हो और उसको कट कर सकते हो। कटिंग का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो देखते रहिए आप इसमें किस तरह से कटिंग को करा जाता है। तो फ्रेंड्स स्क्वायर आप देखिए किस तरह से और कितना अच्छा स्क्वायर इसमें होकर के फिनिशिंग कितनी अच्छी निकली है कॉपी की। अब कटर मशीन पे फ्रेंड्स, तो कटर मशीन स्टार्ट कर दी है, अब कटर मशीन की वर्किंग दिखाएंगे कि कटर मशीन किस तरह से दिखती है। आप इसमें देख लो इस तरह से होती है कटर मशीन, और इसकी जो वर्किंग है इसकी वर्किंग भी बहुत ईजी है। इसे आप अगर लाइट की बात करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम यूज है फ्रेंड्स। अगर आप इसको अपने घर में ही स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसे घरेलू कनेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जो रॉ मटेरियल है वो बस आपको इसमें लगा देना है कच्चे माल को, और जो आपने पिन किया था और स्क्वायरिंग की थी और कटर मशीन ने क्या किया, साइज को कट कर दिया। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें साइज सेट करके
उनको कट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कटिंग लास्ट प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस के बाद जो कॉपी है नोटबुक है वो बन करके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आपको इसकी मार्केटिंग कैसे करना है, तो मार्केटिंग के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आप इसको कहाँ सेल कर सकते हो। आप इसको होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, आप इनको तो सेल कर ही सकते हो। बाकी आप स्कूल्स वगैरह, जो कॉलेज वगैरह, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं या गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आप उनमें भी इनकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर इसमें प्रिंट कराना है, अगर आपको लोगो प्रिंट कराना है, अगर आपको कोई अपना ट्रेडमार्क का देना है, अगर आपको कोई स्कूल का नाम या कोई ब्रांड नेम देना है, तो आप प्रिंटिंग प्रेस पे इसको प्रिंट करा सकते हो और एक खुद का ब्रांड मार्केट में उतार सकते हो और आसान तरीके से उसकी मार्केटिंग कर सकते हो और अपना एक खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियो और भी स्टार्टअप बना लाता रहता हूँ और उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस के पर्पज से कोई प्लान कर रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगा। आप उन लिंक को फॉलो करिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी बिजनेस या उससे रिलेटेड कोई बिजनेस आइडिया पसंद आता है, तो आप उसको चूज करके अपना एक बिजनेस क्रिएट करिएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में जनरेट हो, कोई भी बेरोजगार ना रहे, सब अपना रोजगार करें। तो फ्रेंड्स आपने देखा था मशीन की वर्किंग किस तरह से हुई थी और किस तरह से उसने जो कॉपी तैयार की थी किस तरह से तैयार की थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने मशीन में किया क्या था, सबसे पहले हमने उसमें पिन लगाया था, पिन लगाने के बाद उसको फिनिशिंग किया था, फिनिशिंग देने के बाद हमने साइज के अकॉर्डिंग उसको कट कर लिया था और कॉपी हमारी बनकर के तैयार हो गई थी। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मशीन को परचेस करना चाहते हो, अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कंपनी के नंबर दे दिए हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करके या कंपनी के पते पर विजिट करके इस मशीन का लाइव डेमो देख सकते हो और अधिक से अधिक जानकारी को कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैंने बात करी थी आपको, मैंने बताया भी था कि आप रॉ मटेरियल इसको कहाँ से खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स रॉ मटेरियल भी आप डायरेक्ट जिस कंपनी से आप ये मशीन खरीदेंगे वो आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगी और आपकी हेल्प भी करेंगी रॉ मटेरियल आपको परचेस कराने में। तो फ्रेंड्स आप फटाफट उन नंबरों पर कॉल करके आप अधिक से अधिक जानकारी कलेक्ट कर लो। अगर आप मशीन को परचेस करना चाहते हो या और अधिक जानकारी चाहते हो, तो आप कंपनी विजिट कर सकते हो उनके एड्रेस पे, मैंने एड्रेस भी मेंशन कर दिया है। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी किसी और नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।